हाय गाइस, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पेपर गन। और गाइस, ये जो पेपर गन है काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से बनने वाली है और गाइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तो गाइस, वीडियो बनाने में मुझे तो 4-5 घंटे लग जाते हैं, पर गाइस वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है आपको उसे दबाने में 1 सेकंड का भी देर नहीं लगता। सो गाइस दबा दो यार, क्योंकि मैं आपके लिए एक से एक बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। तो गाइस बिना देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारे बंदूक को बनाने के लिए आपको चाहिए सेप, और गाइस ये जो सेप है ना मैंने कार्डबोर्ड में से काट लिया है। और गाइस इसका जो ये वाला लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर, और गाइस इसका जो ये वाला लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर। तो गाइस अब आपको लेना है ये पेपर। अब गाइस मैं इसे इस पेन की मदद से फोल्ड कर लेता हूँ, और गाइस फोल्ड करने के बाद मैं इस पर गम लगा देता हूँ। तो गाइस चिपकने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो गाइस अब आपको सिंपली ये जो है ना इसके ऊपर चिपका देना है, और गाइस चिपकाने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर टेप भी मार सकते हैं। तो गाइस इस रोल को मैंने चिपका दिया है, और गाइस मैंने इसके ऊपर टेप भी मार दिया कि ये निकले नहीं। अब गाइस आपको लेना है ये दूसरा पेज। अब गाइस आपको सिंपली इसे भी फोल्ड कर लेना है। तो गाइस पेपर रोल करने के बाद आपको सिंपली इसे भी चिपका लेना है। तो गाइस पेपर को चिपकाने के बाद ये जो हिस्सा ना एक किनारे का आपको सिंपली मोड़ लेना है। तो गाइस अब आपको लेना है रबड़, और गाइस ये जो रबड़ है ना आपको सिंपली यहाँ रख कर इसे चिपका लेना है। गाइस आप चाहें तो यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं। तो गाइस रबड़ चिपकाने के बाद ये कुछ इस टाइप का लुक देखने को मिलेगा। तो गाइस ये जो रोल है ना अब आपको सिंपली इसके अंदर डाल देना है, और गाइस ये जो रबड़ है अब आपको सिंपली यहाँ पे आगे फंसा देना है। तो गाइस इस गन की बुलेट को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये रेक्टेंगल टाइप का शेप। अब गाइस आपको सिंपली इसे फोल्ड कर लेना है। तो गाइस मैंने इस पेपर को फोल्ड कर लिया। अब गाइस आपको सिंपली इसे चिपका देना है। तो गाइस हमारी ये जो बंदूक है बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस अब आपको ये जो बुलेट है ना आगे डाल देनी है, और गाइस इसका जो पीछे वाला हिस्सा है अब आपको सिंपली अंगूठे की मदद से ऐसे छोड़ देना है। तो गाइस हमारी ये जो गन है काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो गाइस चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मैच बॉक्स खड़ा किया हुआ है। अब गाइस मैं इसे कुछ इस तरीके से खींच लेता हूँ, और गाइस ये जो बुलेट है ना मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो गाइस अब मैं इस पे फायर करूँगा इन 3, 2, 1। तो गाइस हमारी ये जो गन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और गाइस दिखने में काफ़ी ज़्यादा औसम है। आई होप गाइस ये आप सभी को पसंद आया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।